अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। क्या हुआ जब एक लड़की की गर्भ से पैदा हुआ सांप, फिर जो हुआ उसे देखकर आप की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के शरीर से किसी सांप को पैदा होते देखा है या फिर सुना है? रूह कपा देने वाली ये घटना काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। और एक इंसान ने जिसने सांप को जन्म दिया और जब भी कोई उसे मारता तो वो सांप उसे दिखाई नहीं देता, ये असंभव लगता है, शायद आप भी यही कहेंगे। लेकिन ये बात आप हिमालय के मंडी जिले में स्थित देव पशाकोट के आसपास के लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनका जवाब होगा जी हाँ ऐसा हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिलेगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन ना करें, लेकिन जो कुछ भी उनका मानना है वो शुरू से आखिरी तक जानेंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सर झुका देंगे। तो आइए जानें ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे कन्या ने दिया सांप को जन्म। दोस्तों देव पशाकोट के करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर मराड़ नाम का एक स्थान है। ये सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले अमित कुमार जी ने बताई है। अमित जी बताते हैं कि एक चरवाही की फैमिली हरियाणा से यहाँ शिफ्ट हुई थी। उनकी बेटी पशुओं को चराने के लिए मराड़ जाती थी, वहाँ एक सरोवर था। जब वो थक जाती तो वहाँ बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज उसे एक आवाज सुनाई देती, गिर जाऊं गिर जाऊं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, वो पानी पीती और उस आवाज को अपना वहम मानकर घर वापस चली आती। सरोवर का जल पीने से चरवाहे की बेटी दिन बर दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है जो वो इतनी कमजोर होती जा रही है। तब उसने सरोवर के जल की घटना सुनाई। इस पर उसकी माँ ने कहा कि जब इस बार उसे गिर जाऊं की आवाज सुनाई दे तब वो कह दे कि गिर जाओ। दूसरे दिन जब लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी तो फिर से वही आवाज सुनाई दी। तब उसने माँ के कहे अनुसार कहा गिर जाओ। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि गिर जाओ तो नदी किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जमकर बारिश हुई और वो लड़की वहां से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिक्का ना पहुंची। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं कि पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफी वक्त बीत गया तो वो अपने मायके मराड़ गई, जहां पर उसने सांपों को जन्म दिया। ये देखकर तो उसकी माँ अचंभित ही रह गई और डर के कारण सांपों को मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी लड़की और सांप सभी गायब होकर टिक्कन पहुंच गए। यही सांप महानाग, अजियापाल और ब्रह्मा देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भ अवस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल पर सांप के रूप में मराड़ जाते हैं। कहा जाता है कि वो उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहां पर उस चरवाहे की बेटी पानी पीती थी। मान्यता है जब भी वो मराड़ जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़े की आवाजें सुनाई देती है। हालांकि ये आवाजें कहां से आती है इसका आज तक पता नहीं चल सका है। हर 3 साल पर देव पशाकोट की यात्रा निकलती है जो कि मराड़ जाती है। मान्यता है कि इसमें गांव के प्रत्येक घर से किसी न किसी सदस्य का शामिल होना बेहद जरूरी है। लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट को प्रणाम करके मन्नतों का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी भी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मराड़ पहुंचती है तो उस फटे हुए पत्थर से सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब ये यात्रा वापस टिक्कन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।